फाइनल रिप्लेस का यूज करेंगे अगर बड़े से पैराग्राफ में किसी एक वर्ड को ढूंढना है क्या करेंगे मान मुझे यहाँ पे कंट्रोल ये कंट्रोल लिखा हुआ है मुझे इसको फाइंड करना है पैराग्राफ के अंदर से कंट्रोल को मुझे फाइंड करना है इसके लिए मैं क्या करूंगा एडिट मेन्यू पे क्लिक करूंगा यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आएगा इस पे क्लिक कर दूंगा या फिर आप इसके लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एफ का भी यूज कर सकते हैं ठीक है इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे सबको दिख रहा है ऐसा बॉक्स आ जाएगा जहां पे लिखा हुआ है सर्च फॉर लिखा हुआ है सर्च फॉर जब आपको बच्चों को बताने की सर्च फॉर में हम उस वर्ड को टाइप करेंगे जो पैराग्राफ के अंदर है जिसे आप ढूंढना चाहते हो अलग से कोई भी वर्ड आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते जो पैराग्राफ के अंदर नहीं है जो इस पेज के अंदर है वर्ड वही वर्ड आपको इस पैराग्राफ यहाँ सर्च फॉर में यहाँ पे लिखना है ठीक है मुझे कौन सा वर्ड को फाइंड करना था कंट्रोल गिफ्ट है अभी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग यहाँ पर देखो मैच केस दे रखा है और होल वर्ड ओनली आ रहा है दो ऑप्शन आ रहे हैं पे अगर मैं यहाँ पे मैच केस पे क्लिक कर दूंगा मैच केस से क्या होता है जैसे यहाँ पे ये जो कंट्रोल लिखा हुआ है कंट्रोल एक सारे स्मॉल में स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ना अगर इन केस आपने यहाँ पे मैच केस को आपने सेलेक्ट कर लिया ठीक है अभी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है तो इसमें आप मैं कंट्रोल कैसे भी लिख सकता हूँ अभी चाहे मैं कैपिटल में लिख सकता हूँ चाहे मैं स्मॉल में लिख सकता हूँ अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है मैच केस अगर सेलेक्ट नहीं है तो आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन या स्मॉल में लिख लो या कैपिटल में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो फिर भी वर्ड को फाइंड करेगा एक बार हटा देते अभी यहाँ पे कंट्रोल मैंने कैसे लिखा है कैपिटल में लिखा है फाइंड पे क्लिक करूंगा यस पे क्लिक करूंगा जो वर्ड है यहाँ पे वो हाईलाइट हो गया ना इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस केस में लिखा हुआ है स्मॉल में या कैप्स में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा अगर इन केस अगर तो आपको ऑप्शन ये यहाँ पे सेलेक्ट है मैच केस यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है ठीक है आपने बिल्कुल स्पेलिंग सही लिखा है स्पेलिंग कंट्रोल की है सेम स्पेलिंग लिखा हुआ है लेकिन हमारा जो केस है वो अलग है यहाँ पे कैप्स में लिखा हुआ है अब अगर आप फाइंड करोगे तो इसे फाइंड नहीं करेगा ये कंट्रोल को सर्च की नॉट फाउंड आगे यहाँ पे लिखा हुआ तो इसके लिए क्या करेंगे हम या तो मैच केस पर आएंगे या फिर जिस केस में लिखा हुआ है जैसे स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे अगर हम स्मॉल टाइप करेंगे करने को फाइंड पे क्लिक करेंगे उस वर्ड को फाइंड कर देगा हो गया फाइंड होल से क्या होगा पैराग्राफ में जहां जहां पे आपका कंट्रोल लिखा हुआ है जितने भी कंट्रोल लिखा हुआ है एक से ज्यादा उन सबको फाइंड करके दिखा देगा यहाँ पे अभी तो एक ही लिखा हुआ है अगर मान लो एक से ज्यादा होता पैराग्राफ के अंदर एक से ज्यादा अगर कंट्रोल लिखा था उन सबको देखना है कि कहां कहां पे कंट्रोल लिखा हुआ है हाईलाइट हो जाएंगे वो तो सारे हाईलाइट हो जाएगा सिलेक्ट हो जाएगा इसका मोस्टली कब यूज करेंगे मान लो कोई आप बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना रहे हो कोई आपने बड़ा सा पैराग्राफ टाइप कर दिया उसके अंदर कोई वर्ड था किसी स्टूडेंट को भी लिखा कि या कोई दूसरा वर्ड है पूरे वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है फिर सडनली आपको याद आया नहीं यार इस वर्ड को तो चेंज करना था ये उसकी जगह मुझे कुछ दूसरा नाम करना था अब पूरे लाइन को पढ़ के वहां पे तो चेंज नहीं करना इसके लिए हमें फाइनल रिप्लेस का यूज करेंगे पहले हम क्या करेंगे वो सारे वर्ड को फाइंड कर लेंगे फिर रिप्लेस में जाके जो भी वर्ड आपको लिखना है आप उस पर क्लिक रिप्लेस में करोगे एक बार करें जैसे आप देखो कंट्रोल तीन जगह सेलेक्ट हो गया मुझे इसकी जगह चेंज करना है मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो भी आपको लगे एबीसी कर कंप्यूटर हमने कंप्यूटर रिप्लेस में मतलब वो वर्ड को बदलेगा वो हमने यहाँ पे टाइप किया रिप्लेस पे क्लिक करोगे वो एक एक करके चेंज होता जाएगा कंप्यूटर लिखा हुआ गया अगर सारे एक साथ करना है तो क्या करेंगे रिप्लेस ऑल कर देंगे जितने भी वर्ड है वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे जो आपने यहाँ पे टाइप किया है उसके साथ जो पुराने वाले वर्ड जो यहाँ पर मैं टाइप किया सर्च किया था उसकी जगह इस वाले वर्ड के साथ वो रिप्लेस हो जाएगा आगे समझ में एक होल वर्ड ओनली में इसमें अगर आपने होल वर्ड ओनली को सिलेक्ट कर रखा है
जैसे कि आपको किसी सिंगल लेटर को सर्च करना होता है, मान लो आप इनमें से द को या फिर जैसे टी को फाइंड करना, डब्ल्यू को फाइंड करना, कोई एक सिंगल लेटर को फाइंड करना चाहते हो तो आप फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ मैं फिर कुछ वाई टाइप कर, फाइंड आउट पे क्लिक करो, हमने एक सिंपल से कोई लेटर हमने यहाँ पे टाइप किया, उसको हम फाइंड करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे वाई है, फाइंड करते हैं इसे। लेकिन अगर ये ऑप्शन यहाँ पे होल्ड वर्ड पे अगर सेलेक्ट होता तो ये वाई को टाइप नहीं करेगा, सेलेक्ट सर्च नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने होल्ड वर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, जहाँ पे पूरा वर्ड है वही सर्च करेगा, एक सिंगल लेटर को सर्च नहीं करेगा। अगर मैं अगर अब लिख के वाई सर्च मारूंगा तो सर्च नहीं करेगा, इसके लिए मुझे पूरा कंप्लीट वर्ड टाइप करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ढूंढ सकते हैं जो आपके पैराग्राफ में हो, जैसे अभी आपने फाइंड एंड रिप्लेस देख लिया। सर मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मुझे लगता है सर स्पेलिंग एंड ग्रामर इससे पहले कराना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है उसमें कंट्रोल 20 बार आ रहा है तो 10 बार मान लो कंट्रोल गलत लिखा गया तो वो जो 10 सही है उसी को सेलेक्ट करेगा, जो गलत लिखेगा वो नहीं रहेगा। उससे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर करवाना चाहिए कि सारी स्पेलिंग सही हो जाए, फिर वो सबको सेलेक्ट करेगा। आई की ये भी है कि जो आपका जो स्पेलिंग है आपको स्पेलिंग का ध्यान में रखना है, ये जब डॉक्यूमेंट टाइप करो तो आपको उसी टाइम जो कमांड आप दे रहे हैं जो वर्ड जो लिख रहे हैं उसी को सेलेक्ट करेगा। आप लोगों ने टाइप किया था ना जो मैंने जो बट लिखा हुआ उसको रिप्लेस करके दिखाएगा, अपने नाम के साथ रिप्लेस करके दिखाएगा। जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, अंडू करेंगे तो आप अपने पॉइंटर को नाम डालोगे ऑप्शन पर लेकर और उसके बाद फाइनल रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करके तो सबसे पहले आप सर्च करेंगे यानी कि फाइंड करेंगे, जो भी आपको टेक्स्ट फाइंड करना है उसे टाइप कीजिए इस बॉक्स के अंदर और उसके बाद आप फाइंड या फाइंड ऑल के ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप फाइंड ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट में एक एक वर्ड को फाइंड करेंगे और फाइंड ऑल का उपयोग करेंगे तो एक ही बार जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में वह टेक्स्ट होगा उसे एक बार में हाईलाइट कर देगा, जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अब आप ठीक इसी तरीके से भी इसी तरह से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए भी आप शॉर्टकट कमांड या एडिट ऑप्शन पे जाकर फाइनल रिप्लेस पर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे ही आप शॉर्टकट कमांड या एडिट ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है सर्च फॉर में आप उस वर्ड को या टेक्स्ट को टाइप करेंगे जिसे आपको हटाकर किसी और वर्ड को रखना है और रिप्लेस विद में वह टेक्स्ट टाइप करेंगे जिसे आपको रिप्लेस करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। रिप्लेस पे अगर आप क्लिक फटाफट अब और आ गया क्योंकि हमें इस फाइल
आगे चल के देख वो जो एबीसी दिखा रहा है एबीसी राइट दिखा रहा है और एबीसी ऐसे दिखा रहा है इसका क्या क्या तो दो बड़ा सिंपल है ये स्पेलिंग का है जब आप इसको सर्च करो कोई रॉन्ग स्पेलिंग करोगे तो उसके नीचे अच्छा लाइन आ जाएगी लाइन की अपनी स्पेलिंग लाइन लाइन की है वो आ जाएगा अगर वो सेलेक्ट है तो सर मेरा एक क्वेश्चन है जैसा कि आपने कहा था कि हमको स्पेलिंग हम गलत लिख देते हैं और उसका हम ठीक करना चाहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस कर लेते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है तो यहाँ पे आपने कहा कि सारे के सारे स्पेलिंग गलत है मुझे यहाँ पे ठीक करना है तो मैं फाइंड एंड रिप्लेस कर लूँगा फाइंड एंड जैसे कि मैंने मान चलो आप कंप्यूटर की स्पेलिंग में ठीक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाके फाइंड पे जाके मैं ये मैंने तो बोला ही नहीं इनकेस मैं अपना बता रहा हूँ मैं ठीक है जैसे कि आपने कहा हम कॉपी में कुछ काम करते हैं मुझे कंप्यूटर फाइंड नहीं करेगा यहाँ पे मुझे स्पेलिंग में चाहे मैं ठीक कर देता हूँ इसको ठीक है अब इनके पॉइंट कुछ और था